हेलो दोस्तों, वेलकम टू चैनल स्क्रिप्ट एंड फैंटेसी। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप का जो मैच खेले जाएंगे ऑस्ट्रेलिया वुमेन वर्सेस श्रीलंका वुमेन के बीच में, तो उसी के बारे में। मैच टाइम देख सकते हैं कल दोपहर के टाइम 3:30 बजे मैच स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप लोग उसी हिसाब से एक्टिव रहिएगा। और देखो कल एक और मैच खेले जाएंगे और 7:30 बजे पर मैं कोशिश करूँगा उस मैच का वीडियो प्रोवाइड करने की। यहाँ पर दोनों टीम की मैच विनिंग पेडिसन की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया वुमेन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है एज कम्पेरिजन टू श्रीलंका वुमेन। आप सबको पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया में कितना ज़्यादा डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस करते हैं हमेशा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से 80% चांस रहेंगे कि आप ऑस्ट्रेलिया में आराम से मैच को विन करके जाएगी। वही भी अगर श्रीलंका वुमेन की बात की जाए तो इनका भी 20% चांस रहेगी। तो भाई देखो, ऑस्ट्रेलिया वुमेन की तरफ से मुझे लग रहा है एक खिलाड़ी है जिसका सिलेक्शन तो ज़्यादा नहीं रहेंगे, हो सकता है कि आपके मैक्सिमम ओपोनेंट उनको टीम में लाएंगे लेकिन कैप भी से उनको कोई नहीं ट्राई करेंगे। अगर उसका बैटिंग वगैरह फिर से भाई ऑन डाउन पे या फिर टू डाउन पे मेंशन रहेगी तो मैं इनको डेफिनेटली कैप भी से बनाऊंगा। और वो खिलाड़ी कौन है वो आपको वीडियो में पता चल जाएगी, ठीक है। लास्ट के दोनों मैच यानी भाई लास्ट के जो इंटरनेशनल मैच खेले थे न्यूजीलैंड वुमेन के साथ ऑस्ट्रेलिया वुमेन ने, वहाँ पर भी उनको बैटिंग से भाई प्रमोट किए गए थे। और जो भाई अभी इस वर्ल्ड कप से पहले वार्म अप मैच खेले गए थे वहाँ पर भी उनको ऑन डाउन पर प्रमोट किए गए थे। तो देखते भाई लाइनअप जो निकल के आएगी वहाँ पर आपको ऑन डाउन पर फिर से मेंशन रहेगी तो तगड़ी कैप्टन वाइस कैप्टन का ऑप्शन बनेगी, ठीक है। बॉलर से कितने सारे बैटर्स को पिक करना चाहिए इस मैच में टॉस के अकॉर्डिंग सब कुछ आपको पता चल जाएंगे। तो वीडियो को बिना स्किप एंड तक देख लीजिएगा। और कौन सा कॉम्बिनेशन सही रहेंगे, कौन सा 11 के लिए आपके बेस्ट पिक रहेंगे, कौन से दो खिलाड़ी को क्या बीसी देनी चाहिए इस मैच में। बाकी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो दोनों ओपनर है एलिस हेली और बेथ मुनी, क्या दोनों इस मैच में परफॉर्मेंस करेगी या फिर दोनों में से कोई फ्लॉप जाएगी, सब कुछ आपको मैं प्रेडिक्शन दूंगा, ठीक है। बस वीडियो को बिना स्किप एंड तक देखते जाइएगा। तो चलिए अब हम लोग इस मैच के बारे में डिटेल्स में बात करते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको बता देना चाहूँगा कि अभी आपको वीडियो में जो टीम देखने मिलेंगे वो एक डेमो टीम रहेंगे, फाइनल टीम आपको हमारा टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। टेलीग्राम चैनल के लिंक आप किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएंगे, उसी लिंक से ज्वाइन हो जाइएगा। टीम की रिसेंट परफॉर्मेंस की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया लास्ट के 5 में से 5 मैच विन किए, वही श्रीलंका वुमेन की बात की जाए तो लास्ट के 2 मैच हार के आ रही है, ठीक है। और देखो लास्ट मैच भाई पाकिस्तान वुमेन के साथ खेले गए तीसरी वर्ल्ड कप में, आपको पता होगा कल का ही मैच था, वहाँ पर पाकिस्तान ने पहले बैटिंग कर तो सिर्फ 116 रन ही बना पाई थी, लेकिन भाई उसी रन को भाई डिपेंड कर दिया था पाकिस्तान वुमेन, ठीक है, यानी श्रीलंका वुमेन चेज नहीं कर पाए थे। और मैंने आपको वीडियो में बताया था कि भाई आज हमारी 8/2 पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट रहेगी श्रीलंका वुमेन की टीम। और मैंने आपको वीडियो में बता दिया था कि श्रीलंका वुमेन की जो टीम है वो चामारी 8/2 पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है, वो अगर फ्लॉप जाएगी तो मैच विन नहीं कर पाएगी, ठीक है। और देखो आज भी अगर पहले बैटिंग करेगी तो फिर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जितने सारे बॉलर्स करेंगे सबको लेके जाइएगा और इनके तरफ से टॉप 3 वाले बॉलर को पिक कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि श्रीलंका जब पहले बैटिंग करेगी और चामारी 8/2 पर अगर फ्लॉप तो फिर ज़्यादा रन नहीं बना पाएगी, इस चीज़ को ध्यान में रख लेना। बाकी पिच रिपोर्ट की बात की जाए देखो भाई सेम ग्राउंड पर खेले जाएंगे जहाँ पर भाई श्रीलंका वुमेन वर्सेस पाकिस्तान वुमेन के मैच खेले गए थे, वहाँ पर आपको एक चीज़ देखने मिलेगी भाई स्पिन को काफ़ी मदद मिले थे, यानी ड्राई पिच है तो रन बनाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहेगी, स्पेशली चेस करना और भी मुश्किल होगा, ठीक है। तो टीम पहले टॉस जीती वो बैटिंग करने की कोशिश करेगी क्योंकि चेस काफी ज्यादा मुश्किल है वहाँ पे। अगर इनिंग्स की अगर बात की जाए तो 120 का है, लेकिन आपको ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग तो आपको 140 प्लस इसको देखने मिलेगी, लेकिन जब श्रीलंका पहले बैटिंग तो फिर आपको इसी के अंदर ही रन देखने मिलेगी अगर चामर 8/2 फ्लॉप जाएगी तो। लास्ट के 62 विकेट में से देखोगे तो भाई यहाँ पे पेस आने से 14 विकेट लिए, स्पिनर ने 48 विकेट लिया, तो अंदाजा लगा सकते हैं कि स्पिनर पर कितना ज्यादा डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस करती है। यहाँ पर अगर हेड टू हेड परफॉर्मेंस की बात की जाए ना वर्ल्ड कप में तो देखो 5 में से 5 मैच ऑस्ट्रेलिया ने विन किया, तो भाई वन साइडेड टीम बना सकते ऑस्ट्रेलिया की फेवरेट में जो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। चलिए अब हम लोग किस मॉडल की टीम बनाते हैं इस मैच के लिए। विकेट कीपिंग सेक्शन में यहाँ पर जो आपके लिए बेस्ट पिक रहेगी ना, देखो ऑस्ट्रेलिया में जब पहले बैटिंग तो फिर आप चाहो तो इन दोनों में से किसी एक के साथ जा सकते हैं, एक को ड्रॉप कर सकती है, लेकिन जब पहले भाई बॉलिंग करेगी ऑस्ट्रेलिया वुमेन तो फिर आप दोनों को लेकर जाइएगा, क्योंकि भाई देखो जब चेस करेगी ना तो हो सकता है श्रीलंका ज़्यादा रन ना बना पाए तो फिर ये दोनों आराम से खेल के रन बना देगी, लेकिन जब पेयरिंग से बैटिंग तो दोनों में से एक फ्लॉप जा सकती है तो आप उसी हिसाब से इनमें से एक किसी एक को ड्रॉप कर सकते हैं। देखो एलिस हेली के साथ एक ही प्लस पॉइंट है कि वो आपको विकेट कीपिंग से भी कुछ पॉइंट दिला के जाएगी और ऐसे भी स्पिन फ्रेंडली विकेट है तो फिर स्पिनर इनके पास ऑलरेडी 3 से 4 ऑप्शन है, ठीक है। दो बॉलर तो आपको चार चार कंप्लीट बॉलिंग करते नजर आएंगे तो स्टम्पिंग बारह इनको मिल जाएगी, ठीक है। स्टम्पिंग से या फिर कैचिंग से भी आपको 20-25 पॉइंट दिला सकती है, तो फिर मेरे हिसाब से वो बेस्ट पिक रहेगी अगर दोनों में से किसी एक के साथ आप जाना चाहते तो। लेकिन फिलहाल मैंने दोनों को अपनी टीम में जगह दिया हूँ, ठीक है। बैटिंग सेक्शन में जैसे आओगे तो यहाँ पर देखो एलिस पेरी भाई रिसेंट वहाँ कुछ खास रहा नहीं है और बॉलिंग तो आपको बिल्कुल करते नजर नहीं आएगी। अगर ऑन डाउन पर बैटिंग करेगी तो मैं इनको डेफिनेटली लेके जाऊँगा, अगर ऑन डाउन पर बैटिंग पोजीशन इनका रही रहेगी तो फिलहाल मैं इनको ड्रॉप करके ही जाऊँगा, इस चीज़ को ध्यान में रखना। और जिस खिलाड़ी के बारे में आपको बोला था कि भाई वो आपको ऑन डाउन पर बैटिंग करके दे सकती है इस मैच में, उसका नाम है जॉर्जी और हम। अगर ऑन डाउन पर बैटिंग करने के फिर से वो आ जाएगी ना तो फिर कैप्टन के लिए बेस्ट पिक रहेगी, क्योंकि आपको 4 ओवर की कंप्लीट बॉलिंग करते नजर आएंगे, स्पिन फ्रेंडली पिच है तो आप इनको ड्रॉप कर ही नहीं सकते। और वन डाउन या फिर टू डाउन पर अगर बैटिंग पोजीशन इनका फिर से रहेगी तो आप इनको डेफिनेटली क्या भी से ट्राई कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो माधवी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जैसे टीम के सामने परफॉर्मेंस करना काफी भाई मुश्किल होगा। बाकी ताइलैंड में अगर तो चाहते बैक कर सकते, काफ़ी ज़्यादा नीचे बैटिंग करेगी तो फिलहाल तो मेरे टीम में जगह नहीं मिलेगी। राजा पक्ष को चाहते बैक कर सकते, सिर्फ जीएल में इस मॉली के लिए बिल्कुल सही पिक नहीं रहेगी। और नीचे देखोगे तो यहाँ पर पी लिच फील्ड आपको मोस्ट पॉली 2 डाउन से लेकर 3 डाउन पर बैटिंग देगी या 4 डाउन भी हो सकती है, तो जब पहले बैटिंग तभी पिक करो, अदरवाइज सीधा सीधा ड्रॉप करके ही जाना, ठीक है। फिलहाल मैंने अपनी टीम में यहाँ पर एलिस पेरी को जगह दिया हूँ। ऑलराउंडर सेक्शन में जैसे आओगे तो फिर आपके लिए देखो चामारी 8/2 मास्टर पिक रहेगी, एस्ली गार्डनर मास्टर पिक रहेगी, काफी साथ दिलारी को मैं फिलहाल तो पिक करूँगा,
बाकी देखो जॉर्जी आरएम और सदरलैंड दोनों को मैं अपनी टीम में लेके जाऊंगा। जॉर्जी आरएम देखो आपको मैंने बता दिया कि स्पिन फ्रेंडली पीछे है तो चार ओवर की कंप्लीट बॉलिंग करेगी और साथ ही में इनको लास्ट के दो तीन मैच में बैटिंग से प्रमोशन दिया जा रहा है, ठीक है, यानी वन राउंड में बैटिंग करने के लिए भेज रहा है और वार्म अप मैच में भी इन्होंने ऑन राउंड में बैटिंग किए थे तो हो सकता है यहाँ पे अभी ऑन राउंड में बैटिंग करके चले जाए, ठीक है। बैटिंग करेगी तो मैं डेफिनेटली कैप्टन बनाऊंगा इनको। बाकी यहाँ पर देखो और बॉलिंग सेक्स में जैसा आओगे तो यहाँ पर सुगंधिका कुमारी को आप ले सकते हैं, लेकिन तभी पिक करना जब पहले बॉलिंग करेगी श्रीलंका ओमेन, ठीक है। प्रभांधानी को भी आप चाहो तो बैक कर सकते हैं जब पहले बॉलिंग, अदरवाइज सीधा सीधा ड्रॉप करके ही जाइएगा इस मैच में। यहाँ पर देखो आपके लिए जो भाई मस्ट पिक और भी रहेगा ना, एक तो सोफी मॉरिनोक्स आप इनको ड्रॉप कर ही नहीं सकते, ये आपको भाई देखो दो ओवर हो सकते पावर प्ले में एक ओवर बॉलिंग करेगी और एक ओवर भाई 10 ओवर के अंदर बाकी दो ओवर आपको डेथ में करते नजर आएगी, तो आप इनको ड्रॉप कर ही नहीं सकते, आपके लिए मस्ट पिक रहेंगे। ऑस्ट्रेलिया में जब पहले बॉलिंग करेगी तो आप इनको कैप भी से भी ट्राई कर सकते हैं, इस मैच आपको दो तीन विकेट आराम से प्रोवाइड करके जाएगी, ठीक है। एलिना किंग देखो रिसेंटली जो मैचेस खेले गए तो आप इनको खेलने को मौका नहीं मिले थे, तो इस यही मान के जाओ कि इनको खेलने को मौका नहीं मिलेंगे, अगर वो खेलेगी तो आप इनको डेफिनेटली अपने टीम में पिक कर लीजिएगा। मेगन शॉट को मैं डेफिनेटली पिक करूँगा, आपके मस्ट पिक रहेगी, ये भी आपको चार ओवर की कंप्लीट बॉलिंग करते नजर आएगी और एक बहुत ही कमाल का बॉलर है भाई, रिसेंटली विकेट तो नहीं ज़्यादा ले पा रही है लेकिन भाई लेजेंड खिलाड़ी, आप इनको ड्रॉप नहीं कर सकते, ठीक है। एक और ऑप्शन आपके पास बचा रहेगा तो आप यहाँ पे किसी भी खिलाड़ी को पिक कर सकते हैं, जैसे कि देखो डार्सी ब्राउन मोस्ट वाली बार खेलेगी, अगर डार्सी ब्राउन की जगह एक्स्ट्रा स्पिनर को खिलाएगी ऑस्ट्रेलिया में तो मैं इनको डेफिनेटली पिक कर लूँगा, क्योंकि स्पिन फ्रेंडली पीछे तो हो सकती है भाई डार्सी ब्राउन की जगह एलिना किंग को भी मौका दिए जा सकते हैं और मेरे हिसाब से इनको ही खिलाया जाएगा इस मैच में, अगर खेलेगी तो मैं इनको डेफिनेटली पिक कर लूँगा। अदरवाइज आप यहाँ पे देखो श्रीलंका जब पहले बॉलिंग तीन दोनों में से किसी के साथ जाइएगा, ठीक है, या फिर आप चाहो तो जो एक और ऑप्शन रहेंगे भाई, चलो बैटिंग सेक्शन बता देते हैं। माधवी रिसेंट फॉर्म तो कुछ खास रहा नहीं, जैसे मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि WCPL में इन्होंने लगातार फ्लॉप गए थे और पहले मैच में भी देखो पाकिस्तान ओमन के सामने इन्होंने बिल्कुल फ्लॉप गई थी, तो आप इनको चाहो तो पिक कर सकते हो, आपका मैक्सिमम ऑप्शन इनको हो सकता लेके भी आएगी, लेकिन फिलहाल मेरी टीम इनको जगह नहीं मिलेगी, मैं जा रहा हूँ भाई सुगंधी कुमारी के साथ, ठीक है। कैप्टन वाइस कैप्टन अगर बात की जाए ना तो यहाँ पर देखो ऑस्ट्रेलिया में जब पहले बैटिंग करेगी और श्रीलंका में पहले बॉलिंग, तो चमारी ऑटोपट आपके लिए बेस्ट पिक रहेगी कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए, क्योंकि भाई आपको चार ओवर की कंप्लीट बॉलिंग करते नजर आएगी और ये देखो काफ़ी टैलेंटेड बैटर ही, आपको पता होगा एक्सपीरियंस भी बहुत ही ज़्यादा है, तो ये आपको बैटिंग से भी कमाल का परफॉर्मेंस करके दे सकते हैं, ठीक है। हालांकि पाकिस्तान के सामने फ्लॉप गई थी लेकिन हर मैच में फ्लॉप नहीं जाएगी, जब पहले बैटिंग तो फिर कैप बी सी ना बनाओ सही रहेगा, लेकिन सेकेंड बैटिंग में आप इनको डेफिनेटली कैप बी सी ट्राई कीजिएगा और मेरे हिसाब से जो भाई देखो चाहे पहले बैटिंग करे या फिर बाद में बैटिंग करो ऑस्ट्रेलिया में, आपके लिए गार्डनर मस्ट पिक रहेगी कैप्टनसी के लिए, तो इनको मैं कैप्टन दूंगा, ठीक है, क्योंकि आपको चार ओवर की कंप्लीट बॉलिंग देगी और डेथ में भी दो ओवर बॉलिंग करने के लिए आएगी, ठीक है। अभी कमाल को विकेट टेकर है, आप इनको भाई कैप्टन ना बना के जाओगे तो आप हार भी सकते इस मैच में। अभी जॉर्जी ओरम अगर फिर से ऑन राउंड पर बैटिंग करने के लिए भाई आएगी यानी ऑन राउंड पर मेंशन रहेगी तो मैं इनको ही वाइस कैप्टन बनाऊंगा या फिर कैप्टन इनको ही दूंगा, ठीक है। तो देखते हो फाइनल लाइनअप क्या निकल के आती है, वो काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प रहेगा, अगर इनका बैटिंग और फिर से भाई ऑन राउंड पर आएगी तो मैं इनको डेफिनेटली कैप्टनसी बनाऊंगा। बॉलिंग सेक्शन में आपके लिए सोफी मॉरिनोक्स कमाल का पिक रहेगी, कोई भी इनको कैप इसी ट्राई नहीं कर रहे तो आप इनको डेफिनेटली कैप भी से ट्राई कीजिएगा स्मॉल लीग में भी और जीएल में भी, ठीक है। फिलहाल मेरे वाइस कैप्टन से आपने नहीं पे चमारी ऑटोपटो को दिया हूँ, लेकिन ऑस्ट्रेलिया पहले बॉलिंग करेगी तो मैं यहाँ पे ऐसा हो सकता है भाई जॉर्जी ऑरियम या फिर सोफी मॉरिनोक्स को वाइस कैप्टन बना के जाऊंगा। यहाँ पर देखो सुगंधिका कुमारी मेरे टीम में फाइनल कॉल नहीं है, मैं इनकी प्लेस पर किसी और के साथ जा सकता हूँ, तो ग्रह नंबर खिलाड़ी आप अपने अकॉर्डिंग पिक कर सकते, ठीक है। क्योंकि अगर आपको लाखों में विनिंग करना है तो भाई बूम बेले में एप्लीकेशन जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इससे एप्लीकेशन में ना तो TDS लगेंगे और ना ही भाई यहाँ पे कोई GST लगेंगे, यानी 100% GST और TDS फ्री एप्लीकेशन है। सबसे बड़ी बात है अगर आपको 2 मिनट के अंदर इंस्टॉल विड्रॉल मिल जाएंगे, तो भाई यहाँ पे लाखों में विनिंग करो या फिर करोड़ों में विनिंग करो, एक भी रुपया आपका TDS और GST के नाम पर नहीं कटेगा। और यहाँ पे भाई कॉन्टेस्ट फीस जो देखोगे वो भी काफ़ी लेस है और 24 आवर्स आपको कस्टमर सपोर्ट मिलेंगे, तो भाई पूरी मार्केट में इससे बेहतरीन एप्लीकेशन आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। आज ही डाउनलोड करो और आज से यहाँ पे खेल के रोजाना लाखों विनिंग करना स्टार्ट कर दो। और भाई इस एप्लीकेशन आपके लिए अप टू 5% रियल कैश ऑफर भी दिए जा रहे हैं, ठीक है, तो जल्दी से डाउनलोड करो और उस ऑफर का जितना हो सके फायदा उठाओ। इस एप्लीकेशन के लिंक आप किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, उस लिंक से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आप फिर को देख सकते हो विकेट कीपिंग सेक्शन में एलिस एरी बेथमन दोनों को पिक किया, आप चाहते दोनों में से किसी एक को ड्रॉप भी कर सकते हैं। बैटिंग सेक्शन में मैंने यहाँ पे एलिस पेरी को पिक किया, ऑलराउंडर सेक्शन में जॉर्जी और हम सदरलैंड फिर देखो यहाँ पे जमारी ऑटोपट्टू के साथ एसली गार्डनर और कपिसा दिलारी को पिक किया हूँ, ठीक है। बाकी बॉलिंग सेक्शन में सोफी मॉरिनोक्स सुगंधिका कुमारी और मेगन शॉट को पिक किया हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो ये जो खिलाड़ी है मेरे टीम में फाइनल पर नहीं है, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, टॉस के अकॉर्डिंग मैं इनको लूँगा, श्रीलंका पहले बॉलिंग तो लेके जाऊँगा, अदरवाइज मैं इनको ड्रॉप करके ही जाऊँगा। फिलहाल आप इस टीम का स्क्रीन शॉट लेकर रख लीजिए, बाकी जो भी चेंजेस होंगे जो भी बदलाव होगा वो तो हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूले, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की मिल जाएंगे और यूट्यूब चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करके रख लेना ताकि आपको हर एक इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं, तब तक बाय।